गीतायाः श्लोकपाठेन गीतायाः श्लोकपाठेन गोविन्द स्मृतिकीर्तनात् गोविन्द स्मृतिकीर्तना साधु दर्शन मात्रेण साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटिफलं लभे तीर्थकोटिफलं लभे बहुनाम जन्मनाम अन्ते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानं मां प्रपद्यते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः समहात्मा सुदुर्लभः। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि गीता के एकाद श्लोक का पाठ करने से गोविंद नाम का भगवान नाम का स्मरण कीर्तन करने से और साधु पुरुष के दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का पुण्य लाभ होता है। सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ परमात्मा है, इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता ये भगवान का हृदय है, भगवान का गीत है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन नंद नंदन यशोदानंदन। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। एको शास्त्रो बोले इस धरती पर शास्त्र एक है। एक है का मतलब इसके समान कोई नहीं। वो क्या है बोले गीता भगवत गीता। एको देवो बोले भगवान श्री कृष्ण वो देव है कि सर्वदेव नमस्कारो केशवम प्रतिगच्छति। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। और उसके समान मेरा प्रिय हित करने वाला अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। जो मेरे इस परम पवित्र गुह्य शास्त्र को लोगों में बताने का काम करेगा